और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज विश्व हिंदी दिवस है। दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए वर्ष 2006 में इसका आयोजन शुरू हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पावर लैंग्वेज इंडेक्स के मुताबिक 2050 तक हिंदी दुनिया की 8वीं सबसे ताकतवर भाषा बन जाएगी। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया के 140 देशों में रहने वाले 120 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। वर्ष 1966 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच सोवियत संघ के ताशकंद शहर में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इस समझौते के बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। यह समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान के बीच ताशकंद में हुई लंबी बातचीत के बाद हुआ था। ताशकंद में इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद उसी रात भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था और उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। वर्ष 1929 में आज ही के दिन मशहूर कार्टून कैरेक्टर टिनटिन दुनिया के सामने आया था। टिनटिन सबसे पहले बेल्जियम के एक अखबार में नजर आया था। उसकी कार्टून सीरीज का नाम था द एडवेंचर्स ऑफ टिनटिन। दुनिया में टिनटिन की कॉमिक्स की 35 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं और 80 भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है। टिनटिन की रचना जॉर्ज रेमी ने की थी और हैरानी की बात यह है कि इस कॉमिक्स में टिनटिन पूरी दुनिया का दौरा करके रहस्यों को सुलझाता है, लेकिन उसकी रचना करने वाले जॉर्ज रेमी ने कभी उन देशों का दौरा ही नहीं किया था जहां टिनटिन जाता था। इसे कहते हैं अद्भुत कल्पना शक्ति। वर्ष 1863 में आज ही के दिन लंदन में दुनिया की सबसे पुरानी भूमिगत रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ था। इसका नाम था द मेट्रोपॉलिटन रेलवे लाइन। लंदन में इस रेल योजना की जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर सर जॉन फ्लावर को वर्ष 1853 में दी गई थी और सिर्फ 10 वर्षों में ही उन्होंने लंदन की पहली 6 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड रेलवे लाइन तैयार कर ली थी। फिलहाल लंदन का अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क इस शहर की लाइफलाइन है। और वर्ष 1946 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र की पहली आम सभा यानी कि जनरल असेंबली की बैठक लंदन में हुई थी। इस बैठक में 51 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कुछ वर्षों तक अलग अलग देशों में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा आयोजित होती रही। इसके बाद वर्ष 1952 में न्यूयॉर्क सिटी में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में जनरल असेंबली की बैठक हुई थी। तब से अब तक जनरल असेंबली की बैठक न्यूयॉर्क सिटी में ही होती है। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।